महावाक्य हैं, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को, किसको? आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है, पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है, नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है। लोहे और आयरन एज बनाना, लोहे का युग कलयुग को गोल्डन एज सतयुग बनाना है। सीट भी कौन सी रिजर्व करनी है? प्रश्न, बाप की फर्ज अदाई क्या है, कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। बाप की फर्ज अदाई क्या है? बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। और दुनिया वाले माँ बाप की फर्ज अदाई क्या होती है? शादी करना, शादी करना। और बाप की, ये बाप की फर्ज अदाई है, बीमार और दुखी बच्चों को माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सब का मर्ज मिटाने। क्या मिटाने आए हैं? मर्ज माना बीमारी, रोगों को मिटाने के लिए आए हैं, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए ऊपर अपने ऊंची तकदीर बना लो। अब पुरुषार्थ करो और 21 जन्म के लिए अपनी तकदीर ऊंची बना लो। गीत चला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानों वाच ब्रह्मा मुख कमल से, ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का झाड़ है, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, इस कल्प वृक्ष या सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चे समझ, बच्चे बच्चों को समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, इनकी महिमा है, शिव बाबा का जन्म यहाँ है, बाप कहते मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, द्वापर की तो बात ही नहीं, द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे 5000 साल पहले भी मैंने आ करके ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सबको मालूम पड़ जाता है, झाड़ से कैसे मालूम पड़ जाता है कि भगवान ने आके गीता का ज्ञान दिया था? है कुछ झाड़ में, झाड़ का चित्र देखा है ना, झाड़ में सबसे ऊपर दिखाते हैं, झाड़ देखो भाई, झाड़ को क्यों बुला देते हो? झाड़ में नीचे ब्रह्मा बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसके अंदर दिखाया है कि परमात्मा आके पढ़ाते, ऊपर नहीं है, नीचे नीचे, नीचे नीचे सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठकर तपस्या कर रहे हैं जड़ में। यहाँ से ये सृष्टि का झाड़ शुरू होता है।
सभी को मालूम पड़ जाता है झाड़ को अच्छी रीति देखो, झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, त्रेता में राम राज्य, राम सीता का था, बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते द्वापर से, नंबर वार फिर दूसरे धर्म आते हैं। तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं ना कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दुखी हैं, उनमें भी खास कौन दुखी हैं? भारतवासी। ड्रामा भारत, ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े उनकी दवा दरमल करना, यह है बहुत बड़ी बीमारी, यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं, ये कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है, रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है, बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परम आत्मा है, आत्मा जानती है कि हमारा बाप परम आत्मा है। दुख सुख लेप छेप किसको लगता है? आत्मा को लगता है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, यही कहते हैं भाई किसी आत्मा को दुखी, गरीब की आत्मा को दुखी मत करो, मेरी आत्मा को मत दुखाओ। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वही दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये बात नहीं है, मैं कोई कछुआ मछली ये मैं नहीं बनता हूँ। कहते हैं परशुराम ने कुलाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, 21 बार परशुराम ने धरती को क्षत्रिय रहित कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अब सोचो फिर ये क्षत्रिय पैदा कहाँ से हो गए? एक बार, दो बार, तीन बार, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। उधर वो दिखाते हैं यादवों का नाश हो गया, पता नहीं ये यादव कहाँ से आ गए। बाबा उसका क्या जवाब देते? ये सब हैं दंत कथाएं, ये सब झूठी कहानियां हैं। नहीं, त्रेता में तो परशुराम तो त्रेता में आता है ना, तो उस टाइम तो क्षत्रिय ही होते हैं। यदि वैसे देखा जाए तो सतयुग में देवता, द्वापर में क्षत्रिय, त्रेता में क्षत्रिय, मतलब वो उनका अपनी सोच है, परंतु क्षत्रियों को विहीन करना, फिर भगवान फरसा उठा के गर्दन काट के लेगा कि चलो भी सबकी गर्दन काटो, जो क्षत्रिय सामने आया उसका गर्दन काट दो, बोले ये ब्राह्मणों का काम है क्या? भगवान तो ऐसे काम नहीं करते हैं। तो आप बाप समझाते हैं मुझे याद करो, मेरा कहना ये है। जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, भारतवासी याद भी करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो बरोबर मिल रहे हैं ना। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बायोस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व करा लो, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकता है। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं, हमारे जो मर्ज हैं, बीमारियां हैं, उनको मिटाने के लिए आए हैं। ये मर्ज शब्द है उर्दू का,
और वो मर्ज होता है अंग्रेजी का मर्ज और इमर्ज। रावण ने सबको बहुत दुख दिया, कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके, कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। ये है ही कलयुग का अंत, गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वे औरों की क्या सदगति करेंगे, औरों की क्या सदगति करेंगे। क्या इतने सारे गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे, सारे गुरु मिलकर इस पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे, उनके विचार मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड पहाड़ बनाती हैं, उठाती नहीं। ये पहाड़ भी क्यों कहा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है इसलिए इसको पहाड़ कहा। गोवर्धन की फिर पूजा करते हैं, ये है तत्व पूजा। गोवर्धन क्या होता है, दो बातें बताई थी ना गोवर्धन पर, ऐसे तो स्कूल नहीं चलता, ऐसे चलता स्कूल, अब फिर याद रखेंगे। देखो दो शब्द हैं, एक है गोवर्धन, पहले कृषक देश होने के कारण गांव में सारा जो गोबर इकट्ठा होता था वो एक ही जगह इकट्ठा होता था और वो पहाड़ लग जाता था बहुत बड़ा ऊंचा, सारे गांव का गोबर इकट्ठा होना है ना, सारा गांव एक परिवार होता था और सारा गोबर एक ही जगह इकट्ठा करते थे। फिर खेतों में डालने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले पंडित से पूजन कराना है, खुशी मनानी है कि हमारा इतना ज़्यादा गोबर इकट्ठा हुआ है तो खेती भी हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जितना खाद उतनी अच्छी। के वो नाचते थे गाते थे फिर सारे मिल करके उसको खेतों में डालते थे। और अब क्या करते हैं, मक्का खेत तो है नहीं, ज़मीनें भी नहीं हैं, मार्बल के मकान हैं, आजकल तो टाइलों वाले मकान कहेंगे, मार्बल भी क्या, तो गोबर लेके आते हैं वहाँ पर, गोबर का वो बना के ढेर सा पुतला सा बना के उसके चारों ओर उसकी पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नाचते हैं गाते हैं और फिर सवेरे अगले दिन बाहर फेंक देते। क्या करें, खेत तो है ही नहीं, कहाँ डाले। ये तो था गोबर धन है हमारा जिसकी खुशी होती थी। दूसरा, हमारे शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन, गौ माना आत्मा, आत्मा का उत्थान करना, चढ़ती कला करना, वर्धन माना ऊपर उठाना। सारा संसार का जो चरित्र है, आत्माएं पतित हो गई हैं, उन आत्माओं को आकर फिर से पावन बनाना, उनके चरित्र को उठाना, ये है गोवर्धन। तो यही शब्द बाबा यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वे है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म या तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म भगवान नहीं, ये तो तुम्हारा क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, निराकार झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है, इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है, मुख्य है चार धर्म, तो हिसाब करना चाहिए ना, कौन कौन से धर्म कब कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं, बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पाठ है।
ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अब ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट हैं या गुरु लोग राइट हैं या जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अब मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, बाप को निराकार निरंकारी गाया जाता है। तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम के भेद खोले, सुन रहे थे ना अभी, और शंकर का डमरू बजता है अगम निगम के बीज खोलता भेद खोलता है, बाकी डमरू आदि बजने की कोई बात नहीं है। ये तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ, मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ, बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो है नहीं। जो दुनिया वाली गीता में लिखा हुआ है वो तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना, बच्चों को ये सहज ज्ञान और ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले, गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। एक तो सिखलाता हूँ, दूसरा सिखलवाता भी। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना, कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कई चक्र लगाएंगे नहीं, कोई घर में ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा, सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इससे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे, सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वो तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब कौन हो? पार्वतियाँ, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, वहाँ कोई नंगन होते नहीं। सतयुग में कहते हैं तुम बच्चे, तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे हैं ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चों को, क्यों नहीं समझ सकेंगे वो? क्योंकि तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु ये तो शास्त्रों की बातें हैं ना, वो तो बहस करेंगे, वो समझ नहीं सकते। समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा था। क्या हम समझ गए हैं?
हम समझ गए हैं। यहाँ तो बाबा कह रहे हैं तुम नहीं समझ सकेंगे। किनको कह रहे हैं? जो बहस करने वाले बच्चे थे नहीं, हम कहेंगे उनको भी तुम नहीं समझ सकते। हम कहेंगे नहीं उनको, हमने किसी को नहीं कहना कि तुम नहीं समझ सकोगे। बाबा कह रहे हैं तुम नहीं समझेंगे, मतलब तुम बच्चे बाबा के बच्चों ने समझ लिया है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने समझ लिया है संकल्प से? मतलब बाबा के बच्चे तो समझ गए ना, वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। माया क्या करेगी? तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ, जानते हो कल्प पहले वाले सिक्की लद्दे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। सारे नहीं आएंगे, कल्प पहले वाले सिक्की लद्दे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता या स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, ना असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है, वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। सतयुग में माया ही नहीं है जो लड़ाई। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख अशांत। अरे वहां तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है, हॉस्पिटल होती नहीं बिल्कुल स्कूल में, बाकी होती नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता है, हॉस्पिटल तो नहीं होती। जहाँ कोई बीमार हो जो उसको इलाज करना पड़े, वो तो विद्या स्कूल होते हैं जहाँ पढ़ने के लिए जाना होता है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा लेते हो, मनुष्य पढ़ाई से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है, कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? कहा मैं अपना भाग्य खाती हूं। तो उसकी शादी फिर गरीब से कर दी, बीमार से कर दी, कोड़ी से कर दी, वो भी ठीक हो गया, राजा भी बन गया और वो गरीब हो गया। बोला हर एक आत्मा भक्ति मार्ग में भी ये बात समझते हैं कि हर आत्मा अपने भाग्य का ही खाती है, किसी के भाग्य का। तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं, वे होती है हद की तकदीर, अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो, भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है? अब क्या हाल है? जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में जो होगा वो मिलेगा, ऐसे भी नहीं, फिर तो भूख मर जाएंगे। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ना कोई, कोई ने कितनी आर्ग्यू, कोई ने कितनी, शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी, मर्जी है जितनी शास्त्रों में लिख दी गई। अनेकानेक मतांतर है, कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी है। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? ओ ये तो रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा तो निर्लेप है ना। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना,
ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, पर एम ऑब्जेक्ट एक ही है। नॉलेज एक है, एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। क्या है? नर से नारायण बनना है। जो ना पास होंगे वो फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं थे, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं थे, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं थे, और जब शूद्र थे तो चारों नहीं थे, ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे। ये सब समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, नए तीखे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में है, बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत व शरीर तो है ही नहीं। अच्छा, सब बातों की सैक्रीन है मन मना भाव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म। बाप गाइड बनकर आते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो सन्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आधा कल्प सॉरी कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूं। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूं, तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूं, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो, जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए, स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते ये कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, इकट्ठी रहें और आग ना लगे। बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, पैसा ना खर्च करना पड़े तलवार पर भी, फ्री वाले काम बाबा ढूंढ के लाता है, ज्ञान की तलवार जिसमें एक पैसा खर्च करने की, परंतु ज्ञान की तलवार भी दोनों के पास हो, जबकि दोनों मन मना भाव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, शिव बाबा का कहना मान को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को ना समझने के कारण हंगामा मचाते, ये गालियां भी खानी पड़ती हैं। कृष्ण को थोड़े ही गाली दे सकते हैं, कृष्ण कृष्ण आ जाए तो विलायत आदि से भी ना एकदम एरोप्लेन से भाग। भीड़ मच जाए, हैं जी, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है,
ये है पियर घर और वो है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। ये रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर। निर्विकारी क्यों नहीं लिखा इसमें? निराकारी निरंकारी निर्विकारी कोई जरूरत नहीं? फिर क्यों नहीं लिखा? बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। निर्विकारी अलग चीज है, निराकारी अलग चीज है, निरहंकारी रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भाव। सेवाओं की प्रवृत्ति, सेवाएं भी करते रहो परंतु बीच बीच में एकांतवासी बन क्या करो? अंतर्मुखी बनो। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं मिलता। क्या करें? समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? सेवा की प्रवृत्ति, बहुत सेवा करने पड़ते, इधर जाओ उधर जाओ, वहां कराओ वहां कराओ, फिर वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। इधर सुनाओ उधर सुनाओ उधर सुनाओ। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व एक घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, स्थिति बन जाएगी तुम्हारी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आपके सामने आई होगी, आपके मौज के आगे चली जाएगी। आपको खुश रहना है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए खुश रहना है। तो सारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी? सहज हो जाएंगी। ओम।